और 97 से मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ। कितना पढ़ाई है आपकी? मैंने इंटर किया था। मेरे मनोरंजन में क्या क्या? मनोरंजन में मैं वॉलीबॉल का खिलाड़ी था स्पोर्ट में, क्योंकि इधर बीच में कुछ पारिवारिक कारणों से मैं अपने काम धाम में, मेरा रेलवे कैंटीन का व्यवसाय है, खेती है, मैं घर में अकेले होने के कारण अपने व्यवसाय में और थोड़ा काम धाम में भी लगा रहा, राजनीति में भी समय देता रहा। 97 से जब चितकूट जनपद साहूजी नगर बना था तब से समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। 97 में जिला महासचिव था लोहियावानी, फिर 98 में लोहियावानी का जिला अध्यक्ष बना मैं, 2002 में मैं यूजन सभा का जिला अध्यक्ष बना। समाजवादी पार्टी से हमारी पारिवारिक आस्था रही है, हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री संग्राम सिंह जी 1990 में बांदा जिला जब हुआ करता था तब तिंदवारी विधानसभा से चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से। ऐसा है कि हम चाहते हैं कि अगर नगर पंचायत में जनता ने हमको मौका दिया तो हम यहाँ पे उच्च क्वालिटी का वर्क हो, रोड हैं, नाली हैं, जल की समस्याएं हैं, पाइपलाइन की समस्याएं हैं, पार्क हैं, ये सुविधाओं जनता को मिले, उसको हरा भरा पेड़ पौधे लगाना ये मेरा खुद का शौक है और करना भी चाहिए क्योंकि पर्यावरण के लिए अच्छा भी है और सबको करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। जिस स्पीड से हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं, लोगों का रुझान कैसे है? लोगों का अच्छा रुझान है समाजवादी पार्टी के प्रति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के प्रति। लोग चाहते हैं कि युवा आगे आए, अच्छा कार्य करने वाला आदमी आगे आए जो लोगों की मदद कर सके, गरीबों के सहयोग कर सके और अच्छे कार्य करे। मैं प्रचार जाता हूं, लोगों के बीच अपनी बात रखता हूं, समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को गिनाता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको गिनाता हूं, लोगों की समस्या सुनता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि अगर जनता ने हमको मौका दिया तो वो सारी समस्याएं मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। शराब बांट रहे हैं लेकिन मैं जनता के बीच जाकर यही समझाता हूं कि जो आज आपको 500 या 1000 2000 देके वोट लेगा तो जब आप उसके पास काम करने जाएंगे तो वो आपसे 10000 और 20000 निकाल भी लेगा, आपका गला दबा देगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, भ्रामक प्रचारों से दूर रहें और उसको चुने जो आपके दुख सुख में काम आए।